यहां तुम पैसा खाते हो, भ्रष्टाचार करते हो, बहुमत पूरी की पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने घोटाले कांग्रेस के राज में मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों घोटाले, नाम लूंगा तो रात हो जाएगी। धरती पे घोटाले, आसमान में घोटाले, पानी में घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, अभी तक बचते फिर रहे हैं। ईडी समन कर रही है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो कांग्रेस। ये देश नहीं बचा सकती मेरे बहनों और भाइयों, इस देश को तबाह करने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। झूठा वादा किया कर्जा माफी का, अब और एक वादा लेके आ रहे हैं राहुल बाबा, गरीब भाइयों पैसा खाते में डाल दूंगा। किसानों को तो ढेला नहीं दिया, अब इनको छलने आ गया, संबल बंद कर दी, अब फिर भ्रम फैलाने आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस में कोई दम नहीं बची है। 100 सीटों पे केवल कांग्रेस गंभीरता से लड़ रही है, 543 में से कांग्रेस बची का है। बगल में उत्तर प्रदेश में देख लो, सपा बसपा का गठबंधन लड़ रहा है, और कांग्रेस की हालत ये कि बुआ और बबुआ ने कहा तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे, तुम्हें केवल 2 सीट देंगे, हम 2 तुम्हारे 2। इसके अलावा दिए भी हालत है, काहे की कांग्रेस में पूछना चाहता हूं मैं और भाइयों। एक तरफ ये गठबंधन महागठबंधन है जिनमें सब दल इकट्ठे नहीं हुए, ये गठबंधन ही ठगबंधन है, जनता को ठगने के लिए इकट्ठे हुए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, पारदर्शी प्रमाणिकता से भरा जिसका जीवन है, जिसकी हर एक सांस भारत की जनता के लिए चलती है, जिसने जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मेरे बहनों और भाइयों, वो दिन याद करो, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई को तबाह तहस नहस करके चले गए, तब यूपीए की सरकार थी, मोनी बाबा प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान को आंख बताए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। आतंकवादियों ने पुरी में आतंकी हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमारे जवान पाकिस्तान की सीमा में गए और घर में घुस के आतंकवादियों की लाशों के ढेर लगा के सुरक्षित वापस आ गए। अब ये वो भारत नहीं है, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे जवानों के खून को व्यर्थ नहीं जाने दिया, एयरफोर्स के जवान घुस गए, बालाकोट पहुंचे, बम बरसा की, आतंकवादियों के ठिकाने तबाह कर दिए, लाशों के ढेर लगाए और सुरक्षित वापस लौट आए। एक अभिनंदन घुस गए पाकिस्तान की सीमा, F-16 को मारने के चक्कर में पाकिस्तान में गिरे, पकड़ लिए गए, मोदी जी ने कह दिया अभिनंदन को अगर खरोंच भी आई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। शराब अच्छा वापस भेज गए, 72 घंटा में अभिनंदन वापस आ गया। मेरे बहनों और भाइयों, बताओ ऐसी ताकत भारत की पहले थी क्या? नया भारत खड़ा हो गया मेरे बहनों, हम जिएंगे तो स्वाभिमान के साथ, सीना दान के जिएंगे। कश्मीर से धारा 370 हटेगी, ये कांग्रेस के नेता देशद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं, ये सबूत मांगते हैं कि सबूत लाओ कि पाकिस्तान में कितने आदमियों को मार के आए, लाशें गिन के बताओ। अरे राहुल बाबा, लाशें युद्ध वीर नहीं गिनते, लाशें तो गिद्ध गिनने का काम करते हैं। हमारे जवानों का काम मारना था, मार के आ गए, तुम सबूत मांग रहे हो, शहीदों की शहादत का अपमान कर रहे हो। अब की बार हमने कहा तुम्हें बांध के ले जाएंगे हवाई जहाज से, जब बम गिराने जाएंगे तब बताएंगे कि कैसे मारते हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम देश के गौरव के मामले में तो राजनीति मत करो, देश के गौरव के मामले में तो राजनीति मत करो। खाए की कांग्रेस में मेरे बहन और भाई, ये कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और इस कांग्रेस को सबक सिखाना है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले आज कोई नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनको समर्थन करने वाले ये भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं चेतावनी देके कहना चाहता हूँ कि भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले दफन कर दिए जाएंगे, हिंदुस्तान की सरजमी से बचेंगे नहीं। मेरा भारत महान है, ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी जी आंखों में खटक रहे,
रोज आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे मोदी चोर है। खूब बुद्धि पाई है राहुल।